केवल 20 मिनट की क्लास है, ठीक है ना? अच्छा चालू है, ठीक है, ओनली 20 मिनट्स, 25 बहुत ज़्यादा खींचेगी, ठीक है? सबको नींद आ रही है ना, ऐसा है नहीं, फिर भी 25 मिनट की क्लास है मेरी, 25 मिनट ही पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है ना? क्योंकि मैं अभी थक चुका हूँ, क्लियर? तो इसलिए केवल 25 और 30 मिनट की क्लास, ठीक है? पढ़ के आओ दीपक, पूछें कि पढ़ाएं, पूछें कुछ भी आप पूछें। अच्छा क्या पढ़ के आए हो बताओ? शुक्ला जी कहाँ गए? अच्छा अच्छा पीछे बैठे हो आप लोग, पांडे जी पीछे हैं। पूछ लें कि पढ़ा दें? पढ़ा दीजिए, है ना? आ जाओ। कहाँ तक हो गया था? लोकसभा, ठीक है? एक बाकी योद्धाओं को बोल दें जो देख रहे हैं, वेलकम टू आरएम एजुकेशन हब, दिस इज शुभम सिंह परिहार। जैसा कि मेरी क्लास आपके YouTube पे नहीं आ रही है, और आई होप आगे भी ऐसा लग नहीं रहा कि मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर पाऊँगा, ठीक है? क्योंकि हम ऑफलाइन इतना ज़्यादा बिजी हैं, तो इसलिए अगर ऑफलाइन आप आ सकते हैं तो ठीक है, ऑनलाइन हमारी क्लासेस नहीं हो पाएंगी। जो लोग MPPSC के लिए लगातार कॉल और SMS कर रहे हैं कि पैड वाइज चलाएंगे सर, तो नहीं चलाएंगे, हम ऑलरेडी इतने बिजी हैं कि हमारे पास समय नहीं है, ठीक है? तो आपको अगर आना है तो आपके पास 3 ब्रांच है हमारे, पाटन, उचेहरा, मैहर, आप किसी को ज्वाइन करिए, बट ऑनलाइन क्लासेस नो प्रोविडेंसी, क्लियर? और जितने भी लोग छतरपुर, गुना, टीकमगढ़, मुरैना और आपकी ये इंदौर वाले सर्कल के हैं, आपके आने की व्यवस्था है, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है, सारी चीज़ें हैं, आप आ जाओ। बट हमें रिक्वेस्टेशन मत दो आपकी, सर आप क्लास स्टार्ट करवाइए, शुभम सर की क्लास नहीं आ रही है, राजीव सर को कॉल करते हैं बार बार आपकी, सर क्लास कब आएगी? तो हमारी क्लास फाइनली इसी प्रकार आएगी और इसी प्रकार चली जाएगी, ठीक है ना? हमारे पास नहीं है समय, क्लियर है? बाकी सृष्टि खरे, दीपिका सिंह, आदित्य खरे और रेशमा पाठक, इनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। ये जो इतने स्टूडेंट ने MPPSC प्री क्रैक किया है, आपके लिए मेंस की नोट्स राजीव सर के माध्यम से आपके पास पहुँच जाएगी, क्लियर? और आपको बता दूँ, SFS इंडिया स्टेट फॉरेस्ट सर्विस, राज्य वन सेवा, इसका जो सिलेबस है वो 2020 में चेंज हो चुका है, हाल ही में आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव मार्कर दिया गया है, क्लियर? इसमें जो पुनीत गौतम करके एक लड़के ने मैसेज किया हुआ था राजीव सर को, उन्होंने मैसेज किया था, तो वो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का जो ऑब्जेक्टिव मार्क है उस पर अलाइनर हो चुके हैं, क्लियर? 1064 पोस्टें हैं फॉरेस्ट रेंजर की, क्लियर? तो आपको बता दें हम क्लास नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, हो सकता है अप्रैल के बाद MP पुलिस कांस्टेबल, MPPSC मेंस और MPPSC प्री, क्लियर? तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि हम क्लासेस इसी प्रकार दे पाएंगे आप लोगों को बस। हाँ, जिन लोगों ने मैसेज किया है, जिन्होंने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है, जिनका एग्ज़ाम 23 मार्च से मेंस में है, चाहे वो सतना में हो, चाहे वो रीवा में हो, चाहे इंदौर में हो, जितने भी सिटीज़, टोटल 8 सिटीज़ बनाई गई हैं, उनके लिए मेरे तरफ से शुभकामनाएं, हमारी जो भी टीम है आपके लिए प्रोविडेंसी क्लियर करेगी, ठीक? रही बात मेरी क्लास नहीं आ रही है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्लास कंटिन्यू अभी YouTube पर नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी हमारे सारे टीचर बिजी हैं, क्लियर? और जिनकी जो भी समस्या है वो डायरेक्ट राजीव सर से कंसल्ट करेंगे, मैं उनको पूरी नोट्स मेंस की प्रोवाइड करा दूंगा। प्रैक्टिस सेशन के लिए एक लड़की ने मैसेज किया है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, आप एक फॉइल पेपर ले लीजिए, ठीक है? उस फॉइल पेपर को कंटिन्यू प्रोसेस में लगातार हर पार्ट को, इस बार का जो MPPSC मेंस का एग्ज़ाम है जो 23 मार्च से होगा, अब आपको अलग से क्वेश्चन शीट नहीं मिलेगी, ये बात शायद आपको कल पता चल गई होगी,
एमबीपीएससी मेंस का जो एग्जाम होगा, जो भी आपका आंसर बुकलेट होगी उसमें आपका क्वेश्चन दिया रहेगा और आपके क्वेश्चन पेपर आंसर बुकलेट के साथ जमा हो जाएंगे। क्लियर, ये नई जानकारी है। ये बात अपने आप जितने भी मेंस देने वाले एमबीपीएससी जो लोग जुड़े हुए हैं वो ये जान लें कि मेंस का जो एग्जाम होगा वो मेंस का एग्जाम अब आपको अलग से पेपर नहीं मिलेगा। आपका जो पेपर होगा उसमें आपको जगह मिलेगी, उतनी ही जगह में आपको 20 शब्दों, 100 शब्द, 50 शब्द, 10 शब्द, जितने भी शब्द हैं वो आपको लिखना है। प्रैक्टिस सेशन के लिए आप A4 साइज का पेपर ले लीजिए, उसको प्रैक्टिस सेशन में लाइए। mbpsc.nic.in पर जाकर आप पेपर का शेड्यूल देख सकते हैं। डेमो क्लासेस, डेमो सीरीज वहाँ पर दी हुई हैं। क्लियर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी MPPSC जब भी ये क्लास अपलोड हो जाएगी, आप ये एक बात जानकारी आपको बार बार बोल रहा हूँ, 24 मार्च स्टार्टिंग जो मेंस का एग्जाम है 8 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से आपका जो मेंस का पेपर है उसमें कल बदलाव कर दिया गया है कि अब आपको अलग से पेपर नहीं दिया जाएगा। जो आपकी आंसर शीट होगी उसी में आप लिखोगे और वही आंसर शीट आपकी जाके जमा हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। अब क्लासेस हम लोगों की ऐसे ही आती रहेंगी, अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं संडे स्पेशल और भी जो चीज़ें हैं तो आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, बट कंटिन्यू प्रोसीजर में ना तो MBPSC प्री का पढ़ा पाएंगे हम, ना MBPSC मेंस का और ना ही जो भी हैं। मेरी बात आई होप जितने भी यूट्यूबर्स, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं समझ में आ गई होगी बात। और मेंस के लिए आपको बार बार बोल रहा हूँ, A4 साइज का आप 4-5 बंडल खरीद लीजिए। राइटिंग पर ध्यान दीजिए, कम शब्दों का यूज करिए। इसमें एक नॉर्मल वे की बात करता हूँ कि अगर कोई टॉपिक दिया हुआ है इन्वायरमेंट को लेकर, क्लियर, जो MPPSC वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, जिनका प्री निकल गया है उनकी बात कर रहा हूँ, अगर इन्वायरमेंट को टॉपिक दिया तो इन्वायरमेंट को ब्लूम नहीं करना है अपने को, ठीक। ब्लूम करने में क्या होता है कि केवल मार्क रीड करनी है बस। अगर उसने 20 शब्द बोले हैं तो आप अपनी बात 20 शब्दों में समाप्त कर दीजिए। क्लियर, आपको कहानी नहीं बताना है कि मेंस में जाके आप कहानी रच के चले आओ कि इन्वायरमेंट ये है, इसके पॉल्यूशन के पॉइंट ये हैं, ग्लोबल वार्मिंग ये है, ग्रीन हाउस गैस ये है, ये आपको नहीं बताना। व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट, दैट्स फाइनल आंसर। आपको दो शब्दों में आंसर देना है तो दो शब्द में आंसर दे दीजिए, वातावरण या इन्वायरमेंट या पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। डेफिनेशन आपको इतने ज़्यादा लिखना नहीं, उसमें ना तो आपको PhD करना है ना तो उस टीचर को PhD करना है जो आपकी कॉपी चेक करेगा। क्लियर, आपका रिजल्ट अप्रैल में घोषित हो जाएगा और आपका इंटरव्यू सेशन जून या जुलाई में होगा। क्लियर, तो बात आई होप समझ में आ गई होगी। क्लियर, तो अब आगे आप लोग कृपया मैसेज करके हमारी टीम को परेशान नहीं करेंगे कि सर आप क्लासेज ऐसे ही क्लासेस आती रहेंगी, आप पढ़ते रहिए, जो भी समस्याएं हैं आपको बता दिए हैं। मैहर में क्लासेस हैं, उचेहरा में और अमरपाटन में, तीनों जगह पर है। आपको समस्या आप यहाँ आ जाइए, आपको पहले ही मैंने बता चुका हूँ, यहाँ ऑलरेडी 2-4 लड़के रह रहे हैं उचेहरा में पहले से ही, ठीक। लड़कियों की समस्या ये है कि वो आ नहीं पाते, तो देखिए हम आपको फोटो कॉपी करके इतना समय नहीं कि हम आपको व्हाट्सअप करेंगे, फिर जो भी है आपकी जो प्रोडेंसी है, जो क्वेश्चन में समस्या आती है उसमें आप व्हाट्सअप मैसेज करिए। क्लियर, रात को 3 बजे मैसेज करते हैं, हाय सर, ठीक, हम सो रहे हैं 3 बजे, हम आपके जवाब नहीं देंगे, तो कृपया करके हाय हेलो जो भी है आप मैसेज मत करिए, अन्यथा आपको ब्लॉक कर दूंगा मैं, ठीक। फालतू की चीज़ों को आपको नहीं पूछना, ये आएगा वो आएगा, ये ऐसा नहीं आएगा वैसा नहीं आएगा, ज़बरदस्ती की चीज़ें मत पूछो आप। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपकी बातों को लेकर लास्ट तक लेकर चलेंगे। पढ़िए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमारी टीम, मैं खुद जितना हो सकेगा हम करेंगे, ठीक है। आई होप मेरी बात जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आई तो अच्छी बात है, ठीक। टॉपिक चल रहा था अपना लोकसभा, ठीक। अब लोकसभा का टॉपिक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। रिपीट जो लोग देख रहे हैं तो एक बार फिर से बोल देता हूँ, एक पैराग्राफ आप लोग सुन लो, ठीक है ना, इनको ही बता देता हूँ, ठीक है। एक्चुअल में जो पार्ट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान के जो पार्ट्स बने हुए हैं सुन लो आप लोग, संविधान द मेजर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अलग अलग देशों से अलग अलग सेगमेंट लाए गए हैं, ब्रिटेन से अलग, आयरलैंड से अलग, आपके रसिया से अलग, मतलब जितने भी फैक्टर हैं उनको इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है, देन फाइनली अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमारा सबसे ज़्यादा योगदान
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है, क्लियर। देन फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन पर इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें एक अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया की बात करूंगा, वर्ल्ड एंड इंडिया इन दोनों का मेजरमेंट है। जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल ओवरऑल आर्टिकल्स बनाए गए हैं, जो अनुच्छेद बनाए गए हैं, टोटल अनुच्छेद 395 थे, जो बढ़कर 446 हो गए हैं, 446, ठीक। इन 446 आर्टिकल्स के अलग अलग पार्ट बनाए गए हैं, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट डेली के डेली बढ़ते चले जाते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 12 अनुसूचियाँ हैं, ये सारी चीज़ें सबको पता है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या पूछेगा ये बता देता हूँ। संसद, संसद पार्लियामेंट, ठीक। अब संसद का अगर ओरिजिनल देखा जाए तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, ठीक। इस राष्ट्रपति, भारत के प्रथम नागरिक, ये राज्यसभा, ये लोकसभा, राज्यसभा उच्च सदन, निम्न सदन, क्लियर। इस राष्ट्रपति को बनाने के लिए इस पूरा मैग्मेंटम का यूज किया गया है। एमपीपीएससी वाले ने एक क्वेश्चन किया था, अधिकारों का पुलिंदा किसे कहते हैं सर? दादा मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, ठीक। मौलिक अधिकार, ठीक, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, जितने भी सारी चीज़ें दी हुई हैं उसमें से द मैग्ना कार्टा, मौलिक अधिकार, अधिकारों का पुलिंदा कहते हैं इसको। ये कई बार एमपीपीएससी में करीब 3 या 4 नंबर का पूछा जा चुका है, ठीक। अब इसमें क्या है, बेसिक बेसिक चीज़ें क्या है, राष्ट्रपति क्या था, कैसा बनता है, ये सारी चीज़ें मैंने क्लास में बता दी हैं, ठीक। अब आपको रिपीट नहीं करूँगा, सुन लीजिए एक बार, रिपीट के दे रहा हूँ, बाकी लोग सुनते रहेंगे, बस किसी को खड़ा करके पूछ लूँगा, ठीक है ना। इधर राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक, हमारे सर्वोच्च निकाय संस्था का अधिपति, ठीक। यहाँ इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है ना, 6 वर्ष, ठीक है, मैं तो नहीं भूल गया, सॉरी। राष्ट्रपति, इनका कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है, ठीक है। इनका एक अलग अलग सेगमेंट होता है, राज्यसभा जो उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन होती हैं। इनमें से 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायरमेंट ले लेते हैं। इनकी अधिकतम आयु 35 वर्ष, इनकी 30 वर्ष और इनकी 25 वर्ष होती है। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। राष्ट्रपति के अमेंडमेंट के लिए यहाँ पर इसको विशेष पावर दिए गए हैं, जिसमें से यह किसी भी अमेंडमेंट बिल को पास कर सकता है, कानून बना सकता है, विधेयक ला सकता है, विधेयक लौटा सकता है। सारी अमेंडमेंट राष्ट्रपति के ऊपर होती है। देन राज्यसभा, राज्यसभा यह एक उच्च सदन है, यहाँ पर जो भी प्रतिनिधि वह जनता के द्वारा चुनकर नहीं आते हैं, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पर चुनकर आते हैं। देन लोकसभा, जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, ठीक, यहाँ पर लोकसभा होता है। 2 चीज़ें और मैड हो जाती इस पर, विधानसभा एंड विधानमंडल, विधान परिषद। विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा जो एक पार्ट है वह सभी राज्यों में है, 28 राज्य, 28 विधानसभा, लेकिन विधान परिषद ये कुछ ही राज्यों में है, ठीक। इसका अमेंडमेंट, इसे अपन बाहरी दरवाजे के नाम से भी जानते हैं, बैक डोर, ठीक। यहाँ से कोई भी व्यक्ति अगर विधानसभा हार जाता है, विधानसभा का चुनाव लड़ता है, इलेक्शन हार जाता है, तो बैक डोर का इस्तेमाल करके वह वापस विधानसभा में जा सकता है। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति अगर लोकसभा हार जाता है तो वह बैक डोर का इस्तेमाल करके वापस राज्यसभा में जा सकता है, जबकि उसकी मेजॉरिटी यहाँ पर होनी चाहिए। क्लियर होगी बात, ठीक। इनका और इनका अलग अलग सेगमेंट है, जिस प्रकार राज्य में राज्यपाल, उस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति, जिस प्रकार राज्य में विधानसभा, उस प्रकार केंद्र में लोकसभा, जिस प्रकार राज्य में विधान परिषद, उस प्रकार आपके केंद्र में राज्यसभा होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक। इसके अलग अलग अमेंडमेंट सारी चीज़ों में दिए गए हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें थी, मैंने आपको समझा दी हैं, क्लियर। इस आपके लिए काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब आपको बताएंगे, ठीक। बाकी लोग लिखें, इधर हेडिंग डाल लीजिए, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका,
और राज्य की कार्यपालिका में चार चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। राज्य की कार्यपालिका में चार चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक। पहला लिखिए, फर्स्ट राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, लिख लीजिए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। मंत्रिपरिषद और महाअधिवक्ता, ठीक, क्लियर। ठीक, ये चार आपके एक सीरीज को डिफाइन करते हैं और उससे पूरा संचालन होता है एक राज्य का, ठीक। ये चार अलग अलग स्तंभ हैं जो एक राज्य का कार्यभार पूरा संचालन करते हैं। एक अगर आप बोलते हैं मध्य प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है ना, अपने स्टेट की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में राज्यपाल, राज्यपाल आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिस प्रकार वहाँ पर राष्ट्रपति, यहाँ पर राज्यपाल, जिस प्रकार वहाँ पर मुख्य प्रधानमंत्री, यहाँ पर मुख्यमंत्री, जिस प्रकार वहाँ का मंत्रिपरिषद सेंट्रल का, यहाँ का मंत्रिपरिषद, देन वहाँ पर महाधिवक्ता, क्या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, क्लियर। यहाँ पर महाधिवक्ता होता है जो कानूनी मामलों को, जितने भी कानूनी मामले आते हैं उसको पूरा हैंडल करते हैं महाधिवक्ता। लिखना हो तो लिख लो, थोड़ी थोड़ी लिख लो। इसमें पहला लिखिए राज्य में, इसको तो समझ, इसको तो नहीं लिखाना ना राज्यपाल, ये इसको बस लिख लीजिए, बस महाधिवक्ता काम क्या है, बस राज्य में राज्य सरकार को कानूनी मामले, राज्य में राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाहकार होंगे, राज्य में राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाहकार होंगे, ठीक, क्लियर। अब अपन स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट आर्टिकल है, यहां पर पहला लिखिए राज्यपाल, और राज्यपाल आर्टिकल है 152, 152 अनुच्छेद 152, ठीक, और यह दर्शाता है पद को, ठीक है, यह राज्यपाल के पद को डिफाइन करता है, क्लियर, ठीक। याद रखिएगा राज्यों के राज्यपाल का 152 नंबर जो होता है वो राज्यों के पद, राज्यपाल के पद को डिफाइन करता है, क्लियर। अब इसमें वास्तविक हेड इसमें कौन होगा, चीफ मिनिस्टर। जिस प्रकार राष्ट्रपति केवल एक पुतले की भांति होता है लेकिन वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार यहाँ पर राज्यपाल एक कठपुतली की भांति होता है और इसका वास्तविक या चीफ जो होता है वो सीएम होता है। बात समझ में आ रही है, किसी कोई दिक्कत नहीं। नीचे लिखिएगा राज्यपाल लिखो, अरे अभी इसको लिखो ना, ये 152 लिखो ना, 152 तो कंप्लीट हो, ठीक है। इसमें आप लिख लिए वास्तविक हेड सीएम होंगे, ठीक है, जो ओरिजिनल रहेगा वो सीएम होंगे, क्लियर। जिस प्रकार वहां पीएम, यहां सीएम, राज्यपाल वास्तविक राज्य की बात कर रहा हूं, जब कोई राज्य में होंगे तो वास्तविक पावर रहेगी आपके राज्यपाल के पास, सीएम के पास, ठीक। नेक्स्ट होता है आपका राज्यपाल। राज्यपाल अगर अपन बोलेंगे तो ये दो चीजों पर है, संवैधानिक प्रमुख, लिख लीजिएगा संवैधानिक प्रमुख, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख और कार्यपालिका मात्र का हेड होता है, ठीक है। ठीक, बात समझ में आई, सचिन समझ में आ गई बात, लास्ट नामदेव जी, ठीक है। यहां पर संवैधानिक से बता देता हूं, इनका कार्य ऐसा होता है कि किसी प्रकार के संविधान में कोई ऊंच नीच ना हो जाए, अप एंड डाउन, ठीक। यहां पर कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ठीक है, यही होता है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ठीक, तीन चीजें होते हैं। तो इनको अगर बोलेंगे तो ये कार्यपालिका वाले हैं, ठीक। न्यायपालिका आपके जितने भी
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी जज हैं आपके, ये भी जो नॉर्मल जिला कोर्ट हो गए, ठीक है, ये जितने हैं आपके न्यायपालिका में आते हैं। कार्यपालिका जो होती है वो कार्य करती है, ठीक है, कार मूवमेंटम करती है, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे वो स्टेट की हो। और इसके अब विधायिका, विधायिका, विधायिका फुल नेम विधि कानून, क्लियर। विधायिका का फुल नेम है विधायिका, विधि मतलब होता है कानून, कानून मतलब लॉ, लॉ मीन्स अमेंडमेंट, किसी भी एक फ्रैक्शंस को रीड करना, ठीक, या किसी भी नियम को बनाना और उसको पूर्ण रूपेण कानून बनाने के लिए एक संविधानिक प्रमुख के पास जाकर जब फाइनल इनके सिग्नेचर होंगे, राज्य की बात कर रहा हूँ, केंद्र की जगह पर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, कौन आ जाएगा, राष्ट्रपति आ जाएगा, ठीक है। जब कोई भी नियम या कानून तभी बनता है जब वह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के जाकर पूर्णतः हस्ताक्षर हो जाए और उसी दिन से वह कानून बन जाएगा। इसी प्रकार राज्य में जो भी कानून बनेंगे, जो राज्य के कानूनों में संशोधन होगा, राज्य के कानूनों में बदलाव होगा, उसके नियमों में बदलाव होंगे, तो सबसे पहले वो विधानसभा में जाएगा। अगर विधान परिषद है तो ठीक है, अगर विधानसभा में बहुमत के साथ उसे पास कर दिया तो वह किस में जाएगा, आपके राज्यपाल के पास जाएगा। और अगर राज्यपाल जी ने अगर उनको फाइनली साइन कर दिया तो वह पूर्ण रूप से कानून बन जाता है, जो उस राज्य के लिए, उस राज्य के लिए, अन्य राज्यों के लिए नहीं होगा, उस राज्य के लिए अमेंडमेंट हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई, इसमें किसी कोई दिक्कत है नहीं। नीचे अनुच्छेद 152 ये लिख दिया ना, राज्यपाल का पद लिख लिया ना, आर्टिकल 152 याद करते जाना। नेक्स्ट आर्टिकल 153, अभी आप ये मत सोच लेना जो छूट गया है तो अभी आएंगे अपन, बैक होंगे उसमें, ठीक। आर्टिकल 153 राज्यों के लिए, राज्यों के लिए, वो श्रीवास जी कहाँ गए, हाँ जी आपने बोला था ना, ये आपके साथ मर्ज हो रहा है, ठीक। ये आर्टिकल आपने उस दिन क्वेश्चन पूछा था कि सर एक से अधिक राज्यपाल हो सकते हैं, तो अब आंसर करेंगे 153 आर्टिकल, भारत के संविधान संशोधन नियम के तहत, सुनते जाना आप लोग, भारत के संविधान संशोधन नियम के तहत 153 आर्टिकल यह कहता है कि एक राज्य में या एक से अधिक राज्य में ज्यादा से ज्यादा राज्यपाल हो सकते हैं, या एक राज्यपाल दो से तीन चार पांच लिखना हो तो लिख लीजिए, एक से अधिक राज्यों के लिए, एक से अधिक राज्यों के लिए, एक से अधिक राज्यों के लिए, एक से अधिक राज्यपाल हो सकते हैं, ठीक है, बात क्लियर हो गई श्रीवास जी, ठीक है। अब आप किसी को जब भी आंसर दीजिएगा तो ये आर्टिकल बता देना, आंसर क्लियर, ठीक। आर्टिकल 154 यहां पर पद था, यहां पर एक से अधिक, आर्टिकल 154 और इसमें है शक्तियां एवं कार्य, शक्तियां एवं कार्य, ठीक। अगर कि इनकी शक्तियों की बात करूं तो उसमें मंत्रिपरिषद का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक। सीधी सी बात है, जो सीएम कहेंगे वो इनको करना पड़ेगा, क्लियर, क्योंकि ये इन्हीं के बनाए हुए हैं, ये अलग से तो आते हैं अमेंडमेंट में, इनको हटा सकते हैं पावर में अगर आ गए, कौन सीएम नहीं हटा सकते, हटा सकते हैं। विधानसभा में एक बहुमत पास पारित करा दिया जाए या महाभियोग की प्रक्रिया जो राष्ट्रपति में चलती है इनके ऊपर चला दिया जाए तो ये हट जाएंगे कि नहीं हटेंगे, हट जाएंगे सागर, हटेंगे ना, क्लियर। तो सेम प्रक्रिया यहाँ भी चलेगी, अगर इनको हटाना है, हमको नहीं पसंद है, मेरा काम नहीं करता राज्यपाल, हटा दो इनको, अब ऐसे थोड़ी है हटा दिया तो हट जाएंगे वो, उसके हटाने की एक प्रक्रिया होती है। जिस प्रकार अगर हमको राष्ट्रपति नहीं पसंद है तो 14 दिन के पहले आप महाभियोग प्रक्रिया आप संसद के सदन पे लाइए और उसको 14 दिन पहले, अगर 14 दिन में वो चाहें तो अपना सेगमेंट बना लें, अन्यथा नहीं, क्लियर। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया 14 दिन की महाभियोग की प्रक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ गई रघुवंशी जी, इधर देशराज, समझ में आ रहा, इधर किसी कोई दिक्कत हो पूछ लेना, शुक्ला जी बात समझ में आ रही है, ठीक। इसमें है शक्तियां एवं कार्य, एक और लिख लीजिएगा 155, एक एक आर्टिकल आपको बता रहा हूं, ठीक, याद करते जाइएगा। 155 नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, 155 155, ठीक। अब सुन लीजिए राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होता है, देखिए राज्यपाल की नियुक्ति
अनुच्छेद 155 के तहत आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसको, राज्यपाल को। लेकिन लेकिन उसमें भी है, लेकिन केंद्र सरकार के सलाह से अन्यथा उस राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह से, याद रखना लेकिन है यहां पर, ऑब्लिक लगा है, लेकिन केंद्र सरकार की सलाह से, या फिर वहां पर मान लीजिए अब यहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर बीजेपी की सरकार है, ठीक है, एनडीए की दोनों जगह पर है, ठीक, अब उनको चाहते अपने मन का चाहिए, दोनों जगह है ना, एमपी में भी और उधर सेंट्रल में भी। मेरे हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ कि 155 नियुक्ति आप लोगों के नियुक्ति, अब आप नियुक्ति ये बता दिए कि भाई हमारे जो नियुक्ति करते हैं, जो अपॉइंटमेंट करते हैं वहाँ पर राज्यपाल का, तो राष्ट्रपति जी करते हैं, बट एक ऑब्जेक्शन उस पर भी है कि वो नियुक्ति अपने मन का कर देंगे, वो केंद्र सरकार की सलाह पर, जो केंद्र सरकार जो सेगमेंट होगा उनकी, हाँ हेलो, हाँ बताओ, अभी नहीं अभी नहीं, अभी कहाँ भी तो पहुँचा हूँ, ठीक हो गया, जैसा हो गया तुम बताना ना, हाँ हाँ ठीक 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 ठीक। जैसे यहाँ बीजेपी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी बैठे हैं, शिवराज मामा जी गए मोदी जी से कहें साहब सर जो भी कहते होंगे, जो भी भाई साहब जो भी लग जाता होगा, ठीक है, काम तो कराना है हमको, आनंदीबेन पटेल ही चाहिए, नहीं तो हमको कुछ ना चाहिए, हो गया ठीक है, आप हमारे यहाँ आपकी सत्ता है तो आपको वही ले जाइए, आनंदीबेन पटेल को उठा के ले जाइए, ठीक। अपॉइंटमेंट करता है उस व्यक्ति, क्योंकि राज्यपाल ऑलरेडी पावर में है, ठीक, केंद्र सरकार याद रखिएगा राष्ट्रपति नियुक्ति जरूर करता है, बट एक्चुअल में क्या है उसका जो सब टाइटल, अगर आपसे पूछेगा कि रीजन क्या है, तो रीजन यही है कि वह केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद के सलाह पर भी, वो मंत्रिपरिषद जो है वो भी डिसाइड कर सकती है कि एक व्यक्ति को उठाएंगे, इस व्यक्ति को उठा के, मान लीजिए आनंदीबेन पटेल आपको पता है गुजरात की सीएम रह चुकी हैं, सही है, विजय रूपाणी के पहले, ठीक, अब विजय रूपाणी के पहले वो सीएम थी, अब वो सीएम की जगह इसके बाद उठा के, जैसे दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित जी, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर उनकी सरकार उनको उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, ठीक, ऐसा कोई रोल नहीं है कि अब राज्यपाल बनाने के लिए आपको कुछ, उन्हीं से उठा के उन्हीं को शिफ्ट कर देते हैं, क्लियर। नेक्स्ट लिखिए अनुच्छेद 156 कार्यकाल, 156 कार्यकाल, ओम 8 वर्षों का होता है ना कार्यकाल, कितने का, 4, 3, 2, 1, 5, 6, 7 पाँच या छः, एक बोलो ना, 5 या 6 कितने वर्ष का, पक्का श्योर हो तुम, कन्फर्म है, लिख लो, हो गया 5 वर्ष, लिखो लिखो लिखो, 5 वर्ष का, हाँ तो इतना सोच हो रहे हो मेरे तरफ, लिख लो 5 वर्ष। राज्यपाल, आगे लिखिए राज्यपाल, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अब ये ना बोला कि प्रसाद देते होंगे तब सर जाके वो अपना वो धारण करते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना, एक लैंग्वेज का यूज किया गया है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ठीक है नारायण, ठीक है, ठीक। अब इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राज्यपाल बदलते भी रहते हैं, जरूरी नहीं कि 5 वर्ष वो यहीं रहेंगे, हमारी इच्छा है, मतलब मेरी इच्छा नहीं है, मतलब जो भी है सीएम की इच्छा है, जो भी है नहीं नहीं पसंद है, नहीं काम कर रहे हैं, ठीक, उठा के दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया, अब आप वहाँ के राज्यपाल रहेंगे, ठीक, अब आपको दिल्ली का राज्यपाल बना दिया या फिर उनका जो भी है, क्या हो गया, पानी चाहिए क्या, चिल्ला मैं रहूँ, गला तुम्हारा सूख रहा है, ए? चलो कोई बात नहीं, होगा ठीक है, पी लीजिए पानी, पी लीजिए, फिर पूछूंगा थोड़ी लास्ट में, फिर राज्यपाल बदलते रहते हैं, हाँ, अरे भैया ये बताइए आप, अभी हमारे यहाँ की राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल आईएएस हैं क्या, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, एमपी पीसीएस से निकली हैं, बैंक में जॉब करती थी, रेलवे में जॉब करती थी, तो बस
अप्रॉक्स बता सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आईएएस आईपीएस रिटायरमेंट, ठीक है, जब आप आईएएस बन जाना रिटायरमेंट के बाद, बोल रहा मैं भी राज्यपाल बनना मेरी ख्वाहिश है, मुझे ही बना दो, ठीक। एक एक एज 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 का निर्धारण होता है। मान लीजिए आप, आपकी गवर्नमेंट है, आप बीजेपी से हैं, ठीक, आपकी गवर्नमेंट आई, आपको पांडे जी बहुत पसंद है, पांडे जी हमारे बहुत करीबी हैं, पांडे जी को एक ऐसा पद दे दिया जाए तो पांडे जी भी खुश हो जाएं, तो पांडे जी को राज्यपाल बनाकर हटा दिया गया रास्ते से, आप राज्यपाल बन के दूसरे राज्य की सेवा करिए, मैं अपने देश की सेवा करता हूँ। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। जरूरी नहीं है सचिन, जरूरी नहीं है, मैं ये भी बोल रहा हूँ, ठीक, मूड के ऊपर डिपेंड है, किसके, प्रधानमंत्री के या मंत्रिपरिषद के, ठीक है ना। सीधी सी बात है, विधायक दल का नेता कौन है वहाँ पर, लोकसभा के विधायक दल का नेता कौन है, प्रधानमंत्री भाई। अगर उसको विधायक दल का नेता बनाया गया है, जो संसदीय क्षेत्र से बनकर आए हैं उन्होंने, तो वो जो कहेंगे वो ना होगा, ठीक। बट एक्चुअल में जो रीजन रहता, आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस आपके एमपी पीसीएस से जितने भी होते हैं, अगर वो कई बार क्या होता है कि लास्ट टाइम पर रिटायरमेंट होने के बाद चुनाव लड़ लेते हैं, चुनाव लड़ने के बाद जीत जाते हैं, और वो कंटिन्यू उनका, सीधी सी बात है आईएएस है तो उसका लेवल हमेशा उठा रहेगा, उसको राज्य को चलाने की वो प्रक्रिया समझ में आती होगी, पहले से वो आईएएस है, ठीक। बड़े बड़े अधिकारी रैंक पर होते हैं भाई, 60 वर्ष के हो गए, अब क्या करना चाहते हैं, अब हम पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, और पॉलिटिक्स में जाकर वो क्या करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, नहीं ऐसा नहीं जेब भरना चाहते हैं, ठीक है ना। मेरा एक फ्रैक्शन रीजन ये है कि वो रिटायरमेंट हो गए, रिटायरमेंट के बाद समाज सेवा में उतर गए, सीधी सी बात है जो भी आईएएस रहा होगा, जो भी आईपीएस रहा होगा, उसको उस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना बहुत अच्छी तरीके से आता होगा, ठीक, तो उसको उठा के वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। बात समझ में आई, जरूरी नहीं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, सरकारी व्यक्ति, सरकारी ऑफिसर पॉलिटिकल रेंज में लाभ के पद पर धारण नहीं हो सकता, अगर पढ़ा हो तो। कोई भी अगर आप राष्ट्रपति राज्यपाल मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ते हैं या किसी का, तो आप लाभ के, वो लाभ जो लिखा रहता है ना, लाभ के पद पर धारण ना हो, मतलब एक साथ तो दो जॉब नहीं करेगा, ठीक, गवर्नमेंट जॉब नहीं करेगा, कि गवर्नमेंट भी जॉब कर रहा है, यहाँ यहाँ मुख्यमंत्री भी बना फिर रहा है। अरविंद केजरीवाल कौन है, एक आईएएस है, ठीक है, एक वो आईएएस है, आईएएस होते हैं, ठीक है, आईपीएस कौन, साथ वाली उनकी कौन है, पहली आईपीएस महिला कौन है, किरण बेदी, किरण बेदी भाजपा से क्या है, पुडुचेरी में क्या है, तो अब वो आईपीएस है नहीं है, क्या वो आईएएस है, यही मैं आपको बोल रहा हूँ, लाभ के पद पर उदाहरण नहीं हो सकता। क्लियर, सबको बात समझ में आ गई है, और किसी कोई क्रॉस क्वेश्चन है, सो के नहीं आए हो क्या आज, सेना तो क्या, सेना वाला हो सकता है, तो सेना वाला कैसे हो सकता है, बताया तो क्या बताया था मैंने, अरे तो जब वो आएगा ही नहीं तो क्या है, लाभ के पद पर हो नहीं सकता, तो ठीक है, क्लियर, क्या हो गया सुरजीत, ओम तो एकदम आप आज पीछे बैठ गया है, लेट आए हो क्या, लेट आए हो क्या, अच्छा ऐसा है, चलिए लिखिए, ठीक, अनुच्छेद आर्टिकल 157, आर्टिकल 157 समझ में आ रही ना बात, जहां दिक्कत हो आप सीधे क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेना। योग्यता, एलिजिबिलिटी, योग्यता, ठीक, सबको पता है भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, और ये क्या नाम है, 80 वर्ष आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, यही है, तो राज्यपाल बताओ ना, पढ़ के आए हो कितने वर्ष, 32, 30 वर्ष में उसको राज्यपाल बना दें, 35 वर्ष की आयु लिख रहे हो तो लिख लीजिए, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, पूरी कर चुका हो, 35 में लगा ना हो, सर अभी हम 17 में लगे हैं, 18 में जाने वाले हैं, ठीक है, कम आ रहा हूँ, 35 वर्ष पूरी, लाभ के पद पर ना हो, ये भी लिखवाया ना, लाभ के पद पर ना हो, संसद विधानमंडल, संसद विधानमंडल, अब विधानमंडल दो चीजें कहलाती हैं, विधानसभा विधान परिषद, याद रखिएगा, संसद विधानमंडल, विधानमंडल मतलब विधानसभा
और विधान परिषद के सदस्य ना हो। ठीक है, याद रखिएगा, जो भी राज्यपाल होगा वो विधानसभा, विधानमंडल, संसद के सदस्य ना हो। ठीक, नीचे है आर्टिकल 159 शपथ। अब बोलोगे 158 कहां चला गया, है ना, 158 आएगा, लेकिन यहां पर उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, सीरियल बाय सीरियल एक गायब कर देते हैं सर आप। अब ढूंढ लेना 158 कहां है, 158 यहां पर सेट नहीं हो रहा इसलिए गायब किया है। ठीक, 159 शपथ कौन दिलाता है, शपथ राज्यपाल को, शपथ उच्चतम राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, कहां के उच्चतम मतलब उसको उच्चतम बोलते हैं कि उच्च, उच्चतम किसको बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है ना, राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के जो जज होंगे मुख्य न्यायाधीश वो शपथ दिलाते हैं, लिख लीजिएगा HC, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वह राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, यह है 159। नेक्स्ट है अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161। ठीक है, इसमें क्या है जी, कौन दिलाता होगा, कौन, राज्यपाल, राष्ट्रपति। अरे बहुत बढ़िया, आप लोग पढ़ रहे हैं, जरूर आप लोगों का सिलेक्शन होगा MP पुलिस कांस्टेबल में। क्या इतनी देर से मैं पूरी रामायण खत्म करने में आ गया, आप लोग पढ़ते नहीं हो क्या, पढ़ के आए हो, बताता हूँ आपको, चंद्रिका नाम है आपका, बिल्कुल बताएंगे आप, रुकिए। राज्यपाल दिलाता है, पक्का, ठीक है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, 161 क्षमादान। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्षमादान की शक्ति किस कंडीशन में प्राप्त है, राष्ट्रपति वाली है, नहीं, उसके ब्रैकेट में लिखिएगा राज्य सूची के तहत क्षमादान की शक्ति इन्हें प्राप्त है, राज्य सूची के तहत क्षमादान की इन्हें शक्ति प्राप्त है, लेकिन ये मृत्युदंड को क्षमा नहीं दे सकते। बात क्लियर है, वो राष्ट्रपति ही करेंगे, क्लियर, बात समझ में आई। 161 आर्टिकल क्षमादान कहलाता है, इसमें राष्ट्रपति को पावर है, सॉरी राज्यपाल को पावर है कि वह क्षमादान कर दे, लेकिन मृत्युदंड को यह क्षमादान नहीं दे सकता, यह आर्टिकल 161 कहता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 213 अध्यादेश, जो जहां से जुड़ा वही पढ़ाऊंगा। ठीक, आर्टिकल 213 ठीक, इसमें एक सबसे बड़ा वर्णन है 123 अध्यादेश, क्या है ये, सही है, इसमें लिख लीजिए थोड़ी से, राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने की शक्ति 123 या 213 याद रहेगा, 213 213 213, तो 213 याद नहीं रहते, इसलिए 123 अल्टरनेट हुआ ना, दिमाग की बत्ती नहीं जल रही है क्या, सही हो गई, 213 लिखा है, अब वो क्या है, अनुच्छेद 213 लोगों को याद नहीं रहता, तो उसको अल्टरनेट कर देते हैं 1 2 3 में, सही है, बात समझ में आ गई, हाँ बस बस अल्टरनेट कर देते हैं, बात समझ में आई, इसमें लिख लीजिए आप, राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने की शक्ति 213 में, लेकिन केवल राज्यपाल का अध्यादेश का वर्णन किया गया है, लेकिन केवल राज्यपाल के अध्यादेश का वर्णन किया गया है, 6 सप्ताह के अंदर शुरू से केवल राज्यपाल का अध्यादेश का वर्णन किया गया है,
ठीक, 6 सप्ताह के अंदर इसे पारित करना अनिवार्य होता है। 6 सप्ताह मतलब 42 दिन, 42 डेज, क्लियर है? इतने ना होगा? अनिवार्य है, ठीक। अब आप लोग चिल्लाते रहते वो एक कौन है, वो एक है, वो एक आज बता देता हूँ, एक कौन है? ट्रिपल थ्री, थ्री थ्री थ्री। जिस प्रकार, सुन लीजिए, लिखना नहीं है ये, लिखने वाली बात, जिस प्रकार आप लोगों को वो 4 लोग आपके आसपास रहते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं, दिखते हैं वो 4 लोग जीवन में आपके साथ रहेंगे, अच्छे में बुरे में, वो 4 लोग वो दिखते नहीं हैं, कि 4 लोग क्या सोचेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, 4 लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये 4 लोग जीवन में कभी समाप्त नहीं होंगे, ठीक। आप समाप्त हो जाएंगे लेकिन वो 4 लोग आपके साथ, आपके साथ चले जाते हैं, नहीं आते ना वो 4 लोग। अब आप लोग जानिए आपके वो 4 राहु केतु शनि और कौन कौन आ है, ठीक। बट यहाँ पर आर्टिकल 333 ट्रिपल थ्री, इसमें लिख लीजिए सभी राज्यों, 333 ट्रिपल थ्री, आर्टिकल या अनुच्छेद 333, सभी राज्यों के विधानमंडल में, सभी राज्यों के विधानमंडल में किसी एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन, 333 सभी राज्यों के विधानमंडल में किसी एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जा सकता है। ठीक, क्या हो गया? हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल 154 कुछ छूटा हुआ है उसको लिख लीजिएगा, शक्तियां में लिखा है ना, उसमें थोड़ी लिख लीजिए इसका कार्य क्या गया है, इसी शक्तियां। अरे 154 में है, जगह बाकी है ना? अरे अरे होगा, ये मान लो होगा कम से कम 4 लाइन नहीं है, अलग से लिख लो ना। अनुच्छेद आर्टिकल 154, राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य, ठीक। इसके शक्तियां हैं कार्यकारी शक्ति डैश विधायी शक्ति, ठीक। हाँ, राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, ठीक। अब आप कुछ इसमें 3 चीजें इसको प्राप्त नहीं होती, आज आपको क्लियर कर देता हूं, 3 चीजें इसे प्राप्त नहीं है। पहला सैन्य शक्ति, दूसरा आपातकाल इमरजेंसी शक्ति, और तीसरा है विदेश शक्ति। समझ गए 3 चीजें? यह राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। पहला सैन्य शक्ति, जिस प्रकार हमारे यहाँ तीनों सेनाओं का अधिपति राष्ट्रपति होता है, लेकिन यहाँ पर सभी सेनाओं का अधिपति राज्यपाल नहीं होता है, ठीक है, सैन्य में बात आ गई। दूसरा आपातकाल इमरजेंसी, जिस प्रकार इमरजेंसी लगाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल टर्म एंड कंडीशन पर लगाएगा, ठीक। अगर पूरे देश में इमरजेंसी लगाना है तो राष्ट्रपति लगाएगा, राज्य में राज्यपाल सीएम के अनुरोध पर या विधानसभा भंग होने पर, ठीक, या कोई आपात स्थिति निर्मित होने पर लगाएगा, लेकिन वो भी राष्ट्रपति जी से, ठीक है ना, बात समझ में आई। और तीसरा विदेश शक्ति, इसको पावर नहीं है दूसरे देश में अटैक करने का, ठीक। राष्ट्रपति एक बार क्या बोल सकता कि अटैक करने के लिए, लेकिन ये नहीं बोल सकता, अपने क्षेत्र तक सीमित रहेगा, केवल राज्य तक। तो सैन्य, आपात और विदेश शक्तियां, ये 3 चीजें इसे प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट, अब इसमें आपने लिखा पहला कार्यकारी शक्ति, ठीक, ये कौन कौन सी चीजें वो लिख लीजिए। नियुक्त संबंधी अधिकार पत्र, इसी में नियुक्त संबंधी अधिकार पत्र, इसमें सीएम चीफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, सीएम नियुक्त संबंधी में लिख लो, सीएम चीफ मिनिस्टर को नियुक्त करता है, सही है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद, इसके अलावा राज्य वित्त आयोग,
स्टेट फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, इसके अलावा राज्य में लोक सेवा आयोग MPPSC, सही है, CM हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया, राज्य वित्त आयोग हो गया, MPPSC हो गया, कुलपति APSU यूनिवर्सिटी रीवा, DAVB इंदौर, ठीक, वहाँ के जो कुलपति का जो वहाँ पर फाइनल होते हैं कुलपति की, ये कुलपति अब होंगी, उसका जो नियुक्ति पत्र जो देता है वो राज्यपाल देता है, याद रखिएगा। इसके अलावा और लिखिए, राज्य चुनाव आयुक्त, जान गया चुनाव आयुक्त, नहीं पता, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग, यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया, क्लियर। इसके अलावा जिला जज की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति, जिला जज के नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति, क्यों नहीं लिखते हो, मेरे तरफ क्यों देख रहे हैं, लिख लो HC हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति, ठीक है। इसके अलावा एक और पावर है इसके पास, आर्टिकल 356 लिखे इसको, ठीक, अनुच्छेद, सुन लीजिए, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जब इमरजेंसी लगाया जाता है तो वह जिस राज्य का राज्यपाल होगा वह वहां पर राज्यपाल से हटकर वास्तविक हेड हो जाएगा, मतलब उसकी पूरी शक्तियां किस में आ जाएंगी, राज्यपाल में, राष्ट्रपति में नहीं, राज्यपाल में, राज्य है तो राज्यपाल में, केंद्र है तो राष्ट्रपति में, लगाता कौन है, पावर में कौन आ जाता है, आर्टिकल कौन सा कहता है, बस। नेक्स्ट, विधायी शक्ति, हाँ सर छूट गया, ओके, मेरी क्लास ओवर है, ठीक है ना, कल अपन चलेंगे कंटिन्यू, संदीप सर को आना है, ठीक है, इसको लिख लो विधायी शक्ति, इसको मैं कल से बताऊंगा, ठीक है ना, क्या हो गया, राजीव सर ने नहीं खिलाया क्या, आज नीचे बंद क्यों है दुकान, तो मेरी गलती है, मैं समोसा लेकर आऊं, एक मिनट, क्या बोला, न्यायिक शक्ति अलग है, न्यायिक शक्ति पुनर्विलोकन की शक्ति, सारी चीजें अलग अलग है, पावर दी, लेकिन इसको है ना पावर, इसको विधायी शक्ति, बात नहीं, इसको विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, इसको अलग से मिली हुई है, जैसे धन विधेयक, ये भी धन विधेयक पास कर सकता है, आकस्मिक निधि, इमरजेंसी फंडिंग, अगर मान लीजिए बाढ़ आ गई, ठीक है, और आपके विधानसभा में उतना पैसा पास ही नहीं था बजट के समय, तो राज्यपाल को ये पावर है कि वह वहाँ पर एक आकस्मिक निधि बजट में लाकर एक प्रस्ताव पारित कर सकता है कि 1,000 रुपये या 1,000 करोड़ रुपये निकाल कर जहाँ भी बाढ़ आई हो, जिस राज्य के जिस जगह पर आई हो वहाँ पर वो लगा सकता है, आकस्मिक निधि, इमरजेंसी फंडिंग, बाढ़, सूखा और भी बहुत सारी कोई महामारी फैल जाए उस कंडीशन पर इनको पावर है। न्यायिक शक्ति में इसको बोलेंगे क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति 161, ये है आपकी न्यायिक शक्ति, बात समझ में आ रही है चंद्रिका, लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते ये, इनके पास ये भी पावर नहीं है। जिला जजों की नियुक्ति कर सकते हैं राज्यपाल, बात समझ में आई, न्यायिक शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, तीन शक्ति इनके पास, लेकिन राज्य तक ही सीमित, केंद्र स्तर की राजनीति इनसे नहीं होती, होती भी होगी तो कर ना पाएंगे, ठीक है। इनको एक और पावर रहती है, वीटो पावर, ठीक है, स्वविवेक की शक्ति, वीटो पावर, राज्यपाल अपने वीटो पावर का प्रयोग कर सक, जो भी प्रयोग करेगा, अगर विधानसभा में कोई चीज पास हो जाती है तो उसे वह रोक सकता है, याद रखना, राज्यपाल के पास वीटो पावर होती है, ठीक। जिस प्रकार हमारे यहां पर 5 स्थायी सदस्य, सचिन बताओ, UNO के 5 स्थायी सदस्यों के नाम, हाँ बोलो, तेजी से बोलो, सुना नहीं देता,
फ्रांस, सही है पांच। जिस प्रकार बैठो, जिस प्रकार आपके बोला जाए संयुक्त राष्ट्र संघ 193 देश, 206 देश टोटल, इतने ही है ना, ज्यादा तो नहीं बढ़ गए, 193वां देश सूडान। ठीक, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हैं, जैसे आपने, जैसे चाइना बार बार होशियारी करता है, इंडिया को न्यूक्लियर एटम बनाने के लिए उसने कई बार वीटो पावर का यूज कर देता है। वीटो पावर का यूज मतलब रोक लगा देना। स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य में अंतर है। स्थायी सदस्य जो भी हैं, ठीक है, चीन की लैंग्वेज कौन सी है, भाषा, चीनी लोग कौन सी भाषा यूज करते हैं, कौन, हाँ नहीं पता, अच्छा गुड, कौन सी, अरबी, फ्रांसीसी, हिंदी, चाइनीज, अरे वाह चाइनीज वो बोलते हैं यहाँ है, उस भाषा का नाम बताओ, कौन सी, क्या है, अजीब है, क्या है बताओ ना, कौन सी भाषा है, ऑप्शन क्यों दे दूं मैं, सर्च कर लो, सर्च करो और फिर आंसर बताओगे तो फिर मैं उसमें पूछूंगा इसके कितने टाइप्स हैं। सबसे कठिन लैंग्वेज चाइनीज, सबसे कठिन लैंग्वेज पता है क्या है, हिंदी, और संस्कृत उससे भी कठिन, ठीक है ना, एक बार चाइनीज समझ लोगे, ठीक है, और सीख लोगे, लेकिन हिंदी और संस्कृत तुम मम किम करोती, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या, संविदा वाले हैं वहाँ पर उचेहरा में, तो एक टीचर आते हैं हमारे पाटन के आगे से, तो वो इतना संस्कृत मैं उनका देखता रहता हूँ, कभी कभी ऑफिस तो दूर है, कैमरे से मैं देखता रहता हूँ क्या पढ़ाते हैं क्या है, तो वो जब पढ़ाते तो आधा कुछ बहुत मैं भी सीख लेता हूँ, ठीक, तो ऐसा होता है। संस्कृत अपने यहाँ मध्य प्रदेश में है एक गाँव जहाँ पर संस्कृत बोली जाती है, कौन सी, गोहद, टोटल संस्कृत बोली जाती है उस गांव में, गोहद भिंड, सही है ना, अभी वहां पर हुए थे विधानसभा चुनाव, नहीं हुआ था गोहद में, हुआ था, जी सर संस्कृत आती है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं ना, हो गई, और किसी कुछ पूछना है, नहीं पूछना, कल पढ़ के आना मैं पूछूंगा, है? क्या पिनीक, कौन सी है लैंग्वेज का नाम बताइए, जितने भी लोग यहां मुझे देख रहे हैं, चाइना की कौन सी लैंग्वेज है कृपया कमेंट करके बताएं, ठीक है, ओके थैंक यू, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपसे बाद में, ओके।